जब मैं दूसरी शादी की बातें करता हूँ, लोग कहते हैं ये फलाना ढिमकाना यूं हो जाएगा, बच्चे पैदा होंगे पालोगे कहाँ से, 15 साल हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, सब फिट फाट चल रहा है, अल्लाह को बच्चे भी हो रहे हैं, पल भी रहे हैं, कोई मरा भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल, बच्चों के अलावा की बात कर रहा हूँ, बच्चे भी नहीं मरे अल्लाह का शुक्र है, घर वाले भी नहीं मरे कोई, मैं भी नहीं मरा टेंशन से अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं इतने बच्चों में बाप इतनी टेंशन, ब्रेन हेमरेज, ओ भाई बच्चे टेंशन ख़त्म करते हैं, बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं। मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना माँ बाप बच्चों को पालते हैं, मैंने तो जब बच्चे पाले हैं मुझे पता चला माँ बाप नहीं पालते, बच्चे माँ बाप को पालते हैं। बच्चों को देख के तो टेंशन खत्म होती है, तुम्हें फैमिली प्लानिंग वालों ने उल्टी पटियां पढ़ा दी हैं कि बच्चे टेंशन है। गॉड गिफ्ट, अल्लाह कह रहा है यहबू, जिसको चाहता हूँ बेटे गिफ्ट करता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियां गिफ्ट करता हूँ। गिफ्ट जितना ज्यादा वो अच्छा होता है कि नहीं होता? लोग हमसे पूछ रहे होते हैं आप माशाल्लाह इतनी टेंशनों में भी खुश हैं, भाई टेंशन है नहीं तभी तो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, बच्चों की वजह से टेंशन खत्म है, सही है ना? हमारा तो घर में कोई झगड़ा भी हो तो बच्चों को देख के खत्म हो जाता है वो झगड़ा, बच्चे ऐसी ऐसी फेंक रहे होते हैं मार्केट में, ऐसी ऐसी चीज़ें ला रहे होते हैं, खुशियाँ बच्चों की वजह से। अभी हमारे अंडों से चूजे निकलने वाले हैं आपकी दुआओं से, हमसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? बच्चों को होगी। और बच्चों की खुशी देखकर किसको खुशी होती है? माँ बाप को। बकरीद के मज़े उस घर में जिसमें बच्चे हैं, ईद के मज़े उस घर में जिसमें बच्चे, रमज़ान के मज़े उस घर में जिसमें बच्चे, बच्चों का रोज़ा होना वो इफ्तारी पर आकर पहले दस्तरखान पे बैठ जाएंगे। सारे मज़े घर में बच्चों के हैं यार, आपने हज़ार हज़ार घस के इतने पक्के पक्के बंगले बना लिए, इतनी मोटी मोटी दीवारें, बंदा मार्केट से क्या है शार्ट। मैं जाता हूँ बड़े बड़े घरों में, हज़ार हज़ार के घस के बंगलों में लोग बुलाते हैं ना बयानात के लिए, ऐसी वहशत होती है, दीवारें खा रही होती हैं। मैं कहता हूँ यार इससे तो वो गरीब का घर अच्छा है जिसमें रौनक तो है, छः छः कमरों के बेडरूम बनाए हुए हैं, बेडरूम में बंदा है नहीं, एक अदद अब्बा है, एक अदद अम्मा है और एक बेटा है, बस टोटल आबादी क्या हो गई। फिर बेटे की शादी 40 साल में की है अब्बा ने, अब अब्बा 99 साल के दुनिया से जाने वाले हैं तो पोता देख रहे हैं वो बेटे, तो उनको भी एक आध बच्चा होता है, वो एक आध बच्चे को लाड़ प्यार इतना मिल जाता है, बच्चे को तो बच्चे चाहिए यार, आपस में खेलते रहे, हमें तो पता भी नहीं चलता बच्चे बड़े कैसे हो गए हमारे, आपस में खेल खेल के बड़े हो गए, क्योंकि उनको आपस में खेलने के लिए बहन भाई होलसेल के हिसाब से मुयस्सर थे, ठीक है ना? तो छोड़ दो ये फजूल किस्म की नेचर के खिलाफ जिंदगी, जिसने मसनूई जिंदगी, जिसने तुम्हारा चैन तुमसे छीन लिया, सुकून तुमसे छीन लिया इस जिंदगी में। खुद अल्लाह तूने मुझे मौलवी बना के इस अजाब से बचा लिया, मैं तो अल्लाह से का शुक्र अदा करता, अगर मैं मौलवी ना होता, मैंने इल्म दीन हासिल ना किया होता, मैं भी आज मेरी एक बीवी होती और एक बच्चा मैंने बड़े लाड प्यार से पाल के उल्लू का पट्ठा बनाया हुआ होता उसको मैंने, हकीकत सारी मोहब्बतें उससे, मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरा मुन्ना क्या, यही जैसे माँ बाप घरों में एक बच्चे को तो ऐसे ही लाड़ प्यार मिलता है, वो इंसान का बच्चा थोड़ी बनता है वो मेरा मुन्ना, और एक बच्ची होती बमुश्किल तो वो भी फिर अब उसी को लाड़ प्यार और बहुत हो गए, बस उसी में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है हमारी। अल्लाह का बड़ा फजल है मैंने मुआशरे से बगावत की, मैंने कहा ऐसी की तेरे बाप के खर्चे पर मैं शादी नहीं कर रहा, अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है मैं करूँगा, नस्ल भी मेरी पैदा होगी इंशाल्लाह, बच्चे भी बढ़ेंगे। लोगों ने कहा इतने बच्चे बिगड़ जाते हैं, मैंने कहा अगर एक पैदा हुआ वो बिगड़ गया तो क्या होगा, मेरी तो नस्ल बर्बाद हो गई, मैंने कहा इतने पैदा करो स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी रखो दो चार, हाँ ना दो चार बिगड़ गए दो चार तो सुधरेंगे, मैंने कहा जिनके दो बच्चे हैं दो ही बिगड़ गए वो तो गया ख़त्म बर्बाद, मैंने कहा इतने पैदा करो अबे कितने बिगड़ेंगे, एक आध तो बुढ़ापे में काम आएगा ना, अल्लाह करे सभी नेक बन जाए। तो इसलिए उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, समझ रहे हो? तो इंसान बनो इंसान, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम नेचर से अलग कोई चीज़ नहीं है, ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही, लोग समझ रहे इस्लाम एक रिलीजन है जैसे हिंदू एक मज़हब है सिख एक, ओ भाई कुरान कह रहा है इस्लाम और फितरत एक ही चीज़ के दो नाम है, नेचर है वो तुम्हारी, नेचर से बगावत क्यों कर रहे हो यार तुम?